जोश और गुस्से से काम नहीं था, जो दो चक्के जहे थे जो सदियों से इन दोनों कौमों में होती आ रही। अरे मजदूरों के हक के लिए अगर मालिक तो क्या मुझे सारी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ पड़ूंगा। क्या बन सकता है नमक हराम का सीक्वल? किन दो सुपरस्टार ने की थी नमक हराम मूवी? कहाँ हुई थी इस फिल्म की शूटिंग? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनी का जियाल। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, मैंने तेरा नमक खाया है इसीलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूँ। ये डायलॉग तो सबने ही सुना होगा। ये सुपरस्टार राजेश खन्ना के दो फेमस डायलॉग्स है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना का स्टाइल और कपड़े हर दौर में कॉपी किए गए हैं। सांस रोककर लंबे डायलॉग बोलने का स्टाइल हो या फिर चलने का ढंग, सब कुछ राजेश खन्ना जी का स्टाइल बन गया था। राजेश खन्ना द्वारा बोले गए कुछ डायलॉग्स आज भी दर्शकों के जहन में जिंदा है। आज हम इन्हीं फिल्म की डायलॉग्स की बात करेंगे, साथ ही इसके सीक्वल की। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें बॉलीवुड के दो सुपरस्टार थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, और निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। अमित जी ने फिल्म को कुछ साल पहले एक फोटो भी ट्वीट करके साझा की थी जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन नजर आए थे। अमिताभ ने लिखा था कि मेरे हाथ में जो वीडियो कैमरा है वो फिल्म इंडस्ट्री का पहला वीडियो कैमरा है, ये जैसे ही आया राजेश खन्ना ने खरीद लिया था। आपको बता दें, राजेश खन्ना जी ने ये कैमरा ऋषिदा को दिखाया और ऋषिदा ने फिल्म में इसे दिखाया था। फिल्म नमक हराम का गाना दिए जलते हैं फूल खिलते हैं गाना अमिताभ और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। इसमें राजेश गाते हैं और इसी वीडियो कैमरे से अमिताभ उन्हें शूट करते हुए दिखाई देते हैं। नमक हराम 1973 में बनी हिंदी भाषी फिल्म थी। और साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म की जो कहानी थी वो गुलजार साहब की थी, आनंद बख्शी के। इस फिल्म में डायलॉग्स थे। अब नमक हराम का दूसरा पार्ट बनने वाला है जिसकी चर्चाएं भी हो रही है। और वहीं आपको बता दें, नमक हराम फिल्म में रेखा असरानी, रजा मुराद, एके हंगर जैसे कलाकार थे। राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए भी नवाजा गया था। और अमिताभ बच्चन ने 1974 में सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। क्या आपको पता है कि नमक हराम की शूटिंग जलसा में हुई है? जी हाँ, जलसा वही जो आज बिग बी का आलिशान बंगला है। बिग बी बताते हैं कि नमक हराम की शूटिंग के दौरान मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मैं इसी में रहूंगा, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि एक फकीर शहंशाह बन गया। जलसा के बारे में बात करते हुए बिग बी बताते हैं कि ये घर 2-3 बार बिका, लेकिन आखिरी बार मैंने ही इसे फिर से खरीदा, फिर इसे बनाया और आज ये जलसा कहलाता है। अब आप जब भी मुंबई का ये आलिशान बंगला देखोगे तो यकीनन आपको ये बात जरूर याद आएगी। अब नमक हराम के अगर सीक्वल की बात करें तो इसका शूटिंग की इजाजत भी अमिताभ बच्चन देंगे, क्योंकि यही इस फिल्म की शूटिंग की जानी है, क्योंकि वही यादें फिर से ताजा की जानी है। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म के सीक्वल का? आपको कितनी पसंद आई थी ये फिल्म? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।